हर हॉस्पिटल में ड्रेसर की जरूरत होती है, बट काफी दिनों से जो है ड्रेसर की बहाली नहीं निकली है, जिसको लेकर लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलने पहुंच गए हैं सचिवालय के पास। यहाँ पे लोग इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, बताइए पूरा मामला एक बार आप बताइए क्या। पूरा मामला है कि 1996 के बाद आज तक हम लोगों का बहाली नहीं आया है जो परिधापक ड्रेसर है। मतलब सरकार के नजर में ड्रेसर का कोई ड्रेसर पते नहीं है कि ड्रेसर क्या है। हम लोग डिग्री करके बैठे हुए हैं, उम्र भी हम लोगों का लेप्स कर रहा है, लेकिन कोई भी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से भी हम लोग मिले, लेकिन आज तक कोई पदाधिकारी से लेके मंत्री तक सरकार तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कृपया कर अनुरोध है उन लोगों से कि हम लोगों का जल्द से जल्द विज्ञापन निकाला जाए। हम लोगों के साथ OT-80 शल्य कक्ष वाला है, ANM वाला है, ECG टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ये सबका विज्ञापन आ चुका है, जो कि 2928 से लेके और 2928 दिया गया है। वो लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर रहा है, हम लोगों के साथ में था, लेकिन उन लोगों का हुआ, लेकिन ड्रेसर का आज तक कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। अगर क्यों लग रहा है कि क्यों फंसा हुआ है, ऐसा क्यों लग रहा है, ये चीज जो है पूरा क्लियर नहीं ना आ रहा है, क्यों फंसा हुआ। मतलब सरकार के नजर में ड्रेसर का कोई चर्चे नहीं है, ड्रेसर क्या है उनको पते नहीं है। और CMD का कोर्स हम लोग किए हुए हैं, लगभग पूरे बिहार में 40,000 जो है ड्रेड वाला जो है कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज, उससे हम लोग डिग्री लिए, और जितना भी विद्यार्थी अभी तो कम जनसंख्या में है, लेकिन सारा लोग बेरोजगार है। फाइल देते देते हम लोग थक गए, लेकिन आज तक हम लोग का विज्ञापन नहीं निकाला गया। सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग का जल्द से जल्द विज्ञापन निकाला जाए, नहीं तो इससे भारी आंदोलन हम लोग करेंगे। ड्रेसर की जरूरत हर जगह पड़ती है, हर हॉस्पिटल में ड्रेसर का रहना जरूरी है, मगर इस तरह से उनको अनदेखा क्यों किया जा रहा है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सीधे वो क्या करती है कि वो गार्ड जो है ना, गार्ड से ड्रेसिंग करवाती है। गार्ड से है जी, गार्ड से क्या है मेरे पास है, गार्ड से ड्रेसिंग करवाती है सरकार। चतुर्थ वर्गीय लोगों से ड्रेसिंग किया सब है मेरे पास, देखिए दिखाई ना बनी विस्तार से दिखाई, देखिए ये वाला है जी, गार्ड से ड्रेसिंग करवाती है, सफाई कर्मचारी सबसे ड्रेसिंग करवाती है। क्लियर नहीं किया हम लोग का, क्लियर नहीं किया। डिग्री भी है जी, हम लोग के पास डिग्री भी है, डिग्री है पैरामेडिकल का, हम लोग CMD का डिग्री है। 1996 के बाद बिहार में वैकेंसी नहीं आया, डिग्री के बाद आप लोग बेरोजगार पड़े, बेरोजगार पड़ा। इतना ही नहीं सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उम्र जो है सो खास करके एक पीढ़ी का उम्र बीत गया इस वैकेंसी के चलते, और दूसरा पीढ़ी जो है उसका भी अब बीतने जा रहा है। और NDA की सरकार में मंगल पांडे जी को हम लोग ने बार बार विज्ञापन दिए, बार बार यहाँ पटना आए। आप जान सकते हैं जो हमारा घर मधुबनी जिला पड़ता है, किन्हीं का मुंगेर पड़ता है, और वहाँ से आम किन्हीं का मधेपुरा पड़ता है, किशनगंज पड़ता है, वहाँ से आने में पटना में कोई गरीब का बच्चा आने में कितना पैसा खर्चा होता है। और मंगल पांडे को बार बार ये कहे तो सिर्फ हर बार यही कहते थे जो दो सप्ताह में हम आपको जो है सो ये ऐसा कर देंगे। पहले तो 2010 में तो ये था जो नियमावली का लेकर के थोड़ा हेर फेर था, लेकिन फिर पुनः 2015 में इसको ठीक ठाक किया गया, फिर भी इसको जो है सो पेंडिंग में लगाया जा रहा है। और इसका कारण जो अगले जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो बिल्कुल निराशाजनक थे, और हम अपेक्षा करना चाहते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, जो आप नए आए हैं, चूंकि महागठबंधन की सरकार जब अगले बार थी माननीय 2017 में, उसमें माननीय तेज प्रताप यादव जी जो है 1600 कुछ का वैकेंसी, वो 1638 का वैकेंसी वो निकालने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का यह रहा बिहार में जो उन महागठबंधन की सरकार टूट गई, और अब महागठबंधन की सरकार जब आ चुकी है और तो हम लोगों का कुछ आस जगा है, क्योंकि हम लोग सोच चुके थे, फिर हम लोगों ने सोचा जो एक बार जा करके और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हमसे मिले और उनको कम से कम क्या जानकारी दें, जो देखिए ड्रेसर के प्रति इतना सरकार उदासीन आज तक 1996 के बाद रहा है। और हम इतना ही नहीं चाहते हैं, और ड्रेसर में जैसे आपको फैमिली प्लानिंग होता है, OT का जो भी इंस्ट्रूमेंट का जो भी कारोबार होता है वो ड्रेसर के द्वारा ही होता है, और एक एक मरीज को डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन करके चले जाते हैं, लेकिन ड्रेसर का काम है जो उनका सारा साफ सफाई करना, ड्रेसिंग करना वगैरह वगैरह। इसी से जनहित में जो है सो ये बहुत ही ड्रेसर का उपकारी है, और उसमें जिनको
जिनको यह ज्ञान नहीं है जो कहाँ बेटा ड्रीन देना चाहिए और कहाँ सेवलॉन देना चाहिए, ऐसे में मरीज जो है सो आपको इंस्पेक्शन का शिकार होते जा रहे हैं। और बिहार में जो है जो यही स्थिति चल रहा है, हम लोग जानकारी वाले रोड पर हैं और नन जानकारी वाले आपको अस्पताल में मिलेंगे। तो देखिए इनकी शिकायत यही है कि ये लोग डिग्री लेकर बैठे हुए हैं मगर जो ड्रेसिंग करवाया जाता है, जब आप ओटी में जाएंगे तो डॉक्टर सब कुछ कर देते हैं मगर ड्रेसिंग यही लोग करते हैं। मगर ये लोग का साफ तौर पे कहना है कि स्वीपर लोग से ड्रेसिंग करवाया जा रहा है मगर ये लोग डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और ये लोग को पूछा भी नहीं जा रहा। हालांकि जब तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था कि ये लोग को जो है जॉब देंगे और लगभग 1600 की वैकेंसी निकालने वाले थे, मगर इत्तफाक से जो है सरकार गठबंधन की टूट गई और एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद अभी तक जिक्र नहीं हो रहा है। अब तेजस्वी यादव जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और ये लोग आश्वासन लेके आए हैं कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और अपनी बातों को उनके पास जरूर रखेंगे। इसी तरह की खबरों के साथ कशिश न्यूज आप देखते रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।